सो देखो दोस्तों, कमल ने कलर करना शुरू कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था, मतलब जैसे मेरी शादी आने वाली है तो फटाफट, और दीपावली भी आने वाली है, ठीक है। तो हम लोगों को हमारे घर का कलर वगैरह करना है, फिर गेट का भी कलर करना है। और अभी फिलहाल लगभग 7-8 बजे रात को ही मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। मैंने सोचा कल का ब्लॉग था वो पूरा कंप्लीट होगा, और अभी और शूट करना है क्योंकि दीदी की तबीयत खराब है, उसको भी हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी शुरू कर लेते, ठीक है। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहना। अभी दीदी को जैसे समझ लो हॉस्पिटल लेके जाना है ना, इसी वजह से बाबू को कमल घुमाने के लिए ले जा रहा है, वरना पीछे लगेगा, ठीक है। बाय बाय बाबू, बाय बाय, जाओ मामा के साथ, है ना, जाओ। देखो दीदी की तबीयत खराब है, मैं बोल रहा कि हॉस्पिटल चले, हॉस्पिटल चले, तो मना कर रहे। अरे क्या करना अभी, क्या मम्मी ऐसे में क्या करना, तबीयत खराब है हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोल रहा तो सुन ही नहीं रहे। दूसरा डॉक्टर को दिखा लेंगे, सामने वाले जो डॉक्टर ना उसको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी रात के लगभग 8:30 बजने वाले हैं। ये बच्चों को मैं इतना समझाते रहता हूँ कि मत मस्ती करो, मत मस्ती करो, मेरी बात ही नहीं मानते, और मस्ती करने में भी मुंह फोड़ लिया इसने। दिखा रहे, ये देखो ऊपर कर बेटा, दिखा, ये देखो कैसा सूजी है। बेड के ऊपर मस्ती कर रहे थे, फिर बेड से गिरा नीचे तो लग गया मुंह में। अभी ले गया था, अभी इसको लेके गया था, दवाई लेके आया, दवाई पिला देता हूँ। कितनी बार समझाता हूँ मम्मी इनको, मत मस्ती करो रे, मत मस्ती करो रे, नहीं सुनते। और बिट्टू को ना गोली पीते नहीं आता, तो मैं गोली को जैसे ये देखो इसमें 2 गोली डाल दी और पानी भी डाल दी, ये घुल जाए फिर पिला देता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? वैसे तो मैंने ये ब्लॉग रात को ही शुरू कर दिया था, ठीक है, और कल के ब्लॉग में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से प्यार मिला, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए ना पढ़ के, ना बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हम लोग हमारे ये वाले घर को कलर वगैरह भी करने वाले हैं, और गेट को भी कलर करना है। तो अभी गेट को कलर करना तो फिलहाल अभी शुरू कर ही रहे, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। क्या कर रहे हैं कुंदन का पूछा, बोल लगे कुंदन का फोन लगाया, ये पता नहीं कौन सा कलर है यार, मेरे को नहीं पता। तो बारकस का लगाने आई हूँ। हाँ यार, तो लकड़ी को लगाने आई, लकड़ी को लगाने आई रे। तो तूने घोल लियो? मैं घोल रहे, ये तो लकड़ी का लगा दिया, कलर लाऊ जी कहां से? सब कलर ला रहे, नहीं लाना पड़ेगा भाई, नहीं लाना पड़ेगा कलर। दोस्तों आज है ना कलर करना शुरू करना है, ये गेट का कलर भी करना है, ठीक है। और इसके लिए कलर वगैरह मैंने कमल को बोला था लाने के लिए, ले आया होगा ये कलर वगैरह। तो ए, गेट को कलर करने के लिए बोला था, बाइक को थोड़ी ना, ये जालू इसको देखो पहले गेट को तो कर ले, बच जाएगा तब यहाँ पे लगा लेना, बच जाएगा, बहुत सारा है, बच जाए तो लगा लेना। दो गेट कितना बड़ा है? हाँ, तो बहुत सारा है। कौन कौन सा ला, ब्लैक लाया और व्हाइट? बस दो ही लाया ना, इतनी से तक भी सफेद के 80 रुपए। ओ बहुत महंगे मिलते हैं बेटा, मुझे 10 रुपए की तक भी। सो देखो दोस्तों, कमल ने कलर करना शुरू कर दिया, पर दिख तो नहीं रहा रे, कैसा लग ही नहीं रहा कि लगा भी रहा है, कुछ कमी तो नहीं रहेगी होने के बाद? दिखेगा पूरा होने के बाद। अच्छा वो होने के बाद दिखेगा नहीं, चल लगा लगा, काय मारना पड़ेगा, सिंगल ही डबल कर दे, नहीं ऊपर भी फिर करूंगा पहले मुंह सही कर ले जो तोड़ लिया है, तभी फटाफट ये गेट वेट को कलर कर दे। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर पूरा व्हाइट व्हाइट ही आएगा पहले जैसा ही, बाकी सब दूर ब्लैक आएगा। मम्मी मम्मी, मेरे को पता था आप सर पे पल्लू डालोगे, इस वजह से मैं बोल दिया दूर से ही। क्या बना लिया? तोर की। जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ तभी आप तोर की दाल बनाती हो, तुअर की दाल। ये तो बाटी की दाल लग रही है, बाटे बना रही हो? नहीं। तो दोस्तों ये कमल अभी गेट को कलर कर रहा था ना, तो ये देखो लगभग ये गेट को कलर करना हो ही गया, लेकिन ये बोल रहा कि देखो ये बोल रहा है ये व्हाइट कलर ऐसे क्या दिख रहा, अजीब सा ही दिख रहा, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छा दिखेगा।
टाइम लगेगा देख तो हाथ पे ब्लैक भी तो मिल गया उसके अंदर नहीं ब्लैक ये ऐसा है कि ब्रश उसके अंदर मिल गया वो तो अलग है हो गया पूरा कलर हाँ अभी तो एक गेट बाकी है अरे हाँ ये हो गया एक इधर की साइड बचा हुआ होगा इधर की साइड बाकी है वाइट ही बचा होगा ना वाइट हम तो खाते हैं आपको अरे मुझे क्या पता क्या गाजलेट क्यों मिक्स कर रहा है इसमें बर्फ को धोना तो ये फिर बाद में यूज करेगा किसमें ये इसमें तो काले धोना भी पड़ता है इसको तो खराब है अच्छा वो सूख जाएगा पूरा है ना एक बार किसी ने ऐसे ही करा था ना कुंदन भूल गया था शायद एक बार चिपकी है ना चिपक गया था ना धोना भूल गया था वो बाबू क्या हो रहा है बोल सकता है मम क्या बस रखते हैं अभी वाह क्या बात है दोस्तों ये रोज ना कमल सुबह से निकल जाता है घर से तो आता है 7-8 बजे घर शाम को लेकिन आज ये रुक गया है गेट का कलर करने के लिए वरना अभी तक तो ये देखने को भी नहीं मिलता है आज भीड़ा है ये वेरी गुड ये मेरे को करते नहीं आता ना इस वजह से ये कर रहा है तो कर तो भी नहीं आता ऐसा क्या कर रही है ब्रश को ना वो खत्म ही हुआ क्यों लगा कि बाहर बार हो गया वाइट वाइट ही तो को और कितना चाहिए ये ऊपर क्यों तूने कर दियो सिद्धोज अलग है लगी रो बाकी अच्छा लगी रो ये क्यों कर दियो नहीं तो क्या अच्छा जो अच्छा लग रहा रे एक नंबर लग रहा है अभी पूरा कम वाह क्या बात है ये देखो तू जाती क्यों नहीं कमाल कितने बड़े कप में चाहिए अरे क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो बिट्टू परेशान नहीं करना रे कितनी बार समझाऊं अपन बाद में जाएंगे तू जाती पहले तू तैयार काम करना तीन महीने पिता चला ले जाऊंगा तब बाबू का ले जाऊंगा मैं जाऊंगा हाँ तो बाई से डरा तू सेमड़ियो सो फाइनली दोस्तों जैसे कि कल के व्लॉग में आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरी शादी की डेट ना बहुत नज़दीक आ गई है और शादी की तैयारियां भी करनी है हमारे घर को कलर वगैरह भी करवाना है फिर जो घर का गेट है ना उसको भी कलर वगैरह करवाना है लेकिन दोस्तों जो घर का कलर है ना उसका बजट ना बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है मुझे लग रहा था कि शायद सस्ते में हो जाएगा घर का कलर तो करवा लेंगे लेकिन जब मैंने उसका बजट वगैरह निकलवाया ना तो काफ़ी बाहर जा रहा बजट से ठीक है क्योंकि अभी देखो शादी में भी काफ़ी खर्चा आएगा फिर मुझे अपना फ़ोन भी ठीक करवाना है उसके लिए भी व्यवस्था करनी है तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि इतना कैसे क्या करूँगा लेकिन दोस्तों अभी घर का कलर तो नहीं करवा पाए लेकिन हम लोगों ने हमारे गेट का कलर करवा लिया आपने देखा था कितना ख़राब दिखने लग गया था वो काफ़ी टाइम से तो अभी कलर करवा लिया ना तो काफ़ी अच्छा दिखने लग गया चलिए आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से ठीक है तो पहले हम गेट लगाते हैं मम्मी लगाओ ना उधर से दूर है जान देखे रो अच्छा सो दोस्तों ये देखो कैसा लग रहा है ये कलर करवाने के बाद कितना प्यारा लग रहा है ना नए जैसा लग रहा है तो लगभग दोस्तों मेरी शादी की तैयारियां तो शुरू हो गई है अभी सिर्फ हम लोगों ने गेट कलर करवाया है मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बजट के हिसाब से देख लूंगा और घर का कलर भी करवा ही लेंगे बाहर बाहर का अंदर अभी नहीं करवा सकते तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा और भी फटाफट कर लेता हूँ मैं इस ब्लॉग का एंड क्योंकि ये मुझे ना बहुत परेशान कर रहा है ठीक है और एक और बात आप लोगों से शेयर करनी है कुछ दिनों में शादी के लिए कपड़े वगैरह भी खरीदने जाना है सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा ठीक है तो फटाफट कर लेता हूँ इस ब्लॉग का एंड पता ना आपको आज का ब्लॉग कैसे क्या लगा अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना कमेंट करना चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना साइड में देखो इंस्टाग्राम का स्क्रीन शॉट दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है आप चाहो तो मुझे इस टाइम फॉलो कर सकते हो तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फिलहाल के लिए बाय बाय बोल बाबू बाय इसको पता ही नहीं कहाँ क्या करना है ला जाओ।